एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा की सू ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, मतलब शाम का टाइम है और ब्लॉग का स्टार्टिंग किचन से हुआ है, तो आप लोग गेस कर सकते हो जब तक मैं ना बताऊँ कि ये ब्लॉग क्यों आज स्पेशल है। ऐसे ही काफ़ी रैंडम सा ब्लॉग है, मतलब ब्लॉग बनाने का जैसा कुछ पर्पस नहीं था, पर हमारे हस्बैंड आज करने वाले हैं कुकिंग, तो उसका क्या बनाने वाले हैं वो तो आपको भी पता चल जाएगा। उसका बनाने का जो भी मेथड होगा वो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको हम दिखलाते हैं हमारे पति देव को कुकिंग करते हुए। तो यहाँ पे पनीर कटिंग हो रहा है, क्या बनने वाला क्या है आज? मैं बताऊंगा ठेले वाले स्टाइल में फ्राइड राइस। ठेले वाले स्टाइल में, वाह। और इधर कुकर में क्या चढ़ा हुआ है? अच्छा हाँ, इधर तो मैं ही चढ़ाई हूँ, तो कुकर में चढ़ा है मटर, बिकॉज हमारे पास मटर भी था तो हमने सोचा उसे सीटी लगा लेते हैं। अभी जैसे जैसे कुकिंग पर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको दिखलाऊंगी कि कैसे कैसे बन रहा है, तो ब्लॉग को एंजॉय करना। तो हम दोनों मिलके बना रहे हैं, मैं ये बताना जरूरी समझती थी ताकि आप लोग ऐसा ना सोचो कि मैंने पूरा काम अपने पतिदेव पे छोड़ दिया है। ठीक है, मैं भी उनका हेल्प कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। गर्मी के दिनों में खाली कमाने में पसीना नहीं निकलता, खाना बनाने में भी निकलता है। इसे कहते हैं गाइस मेहनत और पसीने की कमाई हुई, और पसीने और मेहनत के द्वारा ही बनाई गई खाने को हम खाते हैं। एक और काटते क्या? शिमला काट दो, शिमला थोड़ा सा गलता है। ओके, तो कुकिंग हो चुका है स्टार्ट और शॉर्ट्स वीडियो भी बन रहे हैं। गाइस आप देख रहे हो ना, मेरा जुगाड़, मेरा रिंग लाइट टूट गया था तो मैंने इसे जुगाड़ लगा के इसे बांधा है और यहाँ पे कुकिंग चल रहा है। कैसा एंजॉय कर रहे हो आप आज कुकिंग करना? एकदम अच्छा लगता है मुझे। ओ चलो, तो मेरी 7 साल में पहली बार हम खाएंगे आपका हाथ का बना हुआ, चलो ना। गलत बोल रहे हैं तो बोलो, 7 साल में खाएंगे कि नहीं? फर्स्ट टाइम एक दो बार और खिलाया करते हैं सब्जी वब्जी बना। हाँ मे बी, बट बहुत टाइम हो गया इसलिए मेरे को याद नहीं है। हाँ मेरे नहीं रहने पर बनाते हैं ये काफी टाइम, और होता भी है कि बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है, पर मेरे को आज खाने को मिलेगा। तो बस फाइनल फिनिशिंग हो रहा है, चावल मिलाया जा रहा है, मतलब फ्राई हो रहा है। इसी मुस्कुराहट के साथ आप खाना बनाइए, खाना बहुत टेस्टी बनेगा। ज्यादा मत मुस्कुराइए नहीं तो आपका पसीना गिर जाएगा टप से चावल में फिर ठेले वाला जैसा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। तो फाइनली बन करके रेडी हो गया है और मैंने प्लेटिंग कर लिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप देख लेना। और मैं दिखलाती हूँ मैंने कैसे प्लेटिंग किया है, और अब मैं जा रही हूँ देने अपने पति देव जी को, क्योंकि बनाया उन्होंने है, पर थोड़ा सा सर्व करके मैं उन्हें दे दूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। सो ये रहा मेरा प्लेटिंग, सो रेडी है ढावा स्टाइल फ्राइड राइस। आप देख सकते हो कितना टेस्टी दिख रहा है, एकदम खिला खिला सा, बिल्कुल जैसे हमारा प्याज खिला सा है। खाइए, खा के बताइए कैसा बनाया आप। जल्दी जी खाओ, उधर जाओ, उधर खा, खाना खा, उधर से पूछो। अच्छा बनाया, इसको हटा दें। पनीर है, पनीर है वो बेटा, खाइए खाइए, बहुत टेस्टी है। हाँ तो क्या है, कुछ नहीं है, चलो आप खा लो। अरे वो गाजर है, गाजर को भी हटा दिए, अब तो खा लो। कैसा बनाया? तब रियल रिव्यू आपका ये था।